नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के इस वॉर रूम में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ड्रैगन पर जंग का ऐसा भूत सवार है कि वो फर्जी वीडियो डालते डालते अब हॉलीवुड फिल्मों के वीडियोस भी चुराने लगा है। चीन की ये चोरी पूरी दुनिया को पता चल गई। एलएसी पर मुंह की खाने के बाद अब जिनपिंग की लाल आर्मी अपने ही देश के युवाओं को भड़का रही है। अब युवाओं को जंग की ट्रेनिंग दी जा रही। इस बीच वो फर्जी वीडियो से गीदड़ भपकी देने के एजेंडे पर भी लगे हुए हैं। एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच मोल्डो मीट अभी भी जारी है। इस हिमाकत के बीच चीन और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से बेइज्जती हुई है। किसान बिल को लेकर संसद में कैसा मचा है बवाल, और देखिए नशे से दागदार हुआ बॉलीवुड का नया खुलासा। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। और एलएसी पर घिर चुका ड्रैगन अब अपने ही देश के युवाओं को जंग की आग में धकेलने की तैयारी कर रहा है। चीन के साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट से देखिए यह चौंकाने वाला खुलासा। एलएसी पर जब पीएलए गुब्बारा फूटने लगा तो ड्रैगन अपने ही देश के युवाओं को भड़काने लगा। जिनपिंग की लाल सेना युवाओं को कंप्यूटर के बजाय बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। भारत से पंगा लेने के लिए उसने ट्रेनिंग को अपना हथियार बना लिया है। ड्रैगन की डरपोक आर्मी अब अपने ही देश के नौजवानों को हथियारों का इस्तेमाल करने और कॉम्बैट का प्रशिक्षण देने की रणनीति में जुट गई है। चीन के साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे पता चला है कि साइबर सुरक्षा के नाम पर चीन यूथ को जासूसी की ट्रेनिंग दे रहा है। युवाओं को जंग की आग में धकेलने के लिए जिनपिंग के ऑर्डर पर चीन में ऐसे कई स्कूल खोले गए हैं जहां युवाओं को मौत से भिड़ने के गुर सिखाए जाते हैं। यहां आने वाले युवाओं को हथियार चलाने के साथ हाई स्पीड ड्राइविंग भी सिखाई जाती है, ताकि आपातकाल में अपनी और अपने साथियों की जान बचाई जा सके। चीन की इस दोहरी चाल को वहां का युवा भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में मुंह की खाने के बाद ड्रैगन अब चीनी नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो कभी साउथ चाइना सी तो कभी येलो सी, कभी ताइवान तो कभी तिब्बत पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। चीन सबसे मजबूत है इसे दिखाने के लिए जिनपिंग का भोंपू अखबार भी माहौल बनाता है और अपने ही देश के नागरिकों को बेवकूफ बनाता है। युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने से जुड़ा ये वीडियो भी उसकी झूठ और मक्कारी की गवाही दे रहा है, जिससे जाहिर हो रहा है कि ड्रैगन भारतीय शूरवीरों के सामने पानी पानी हो रहा है और अपने देश में हेकड़े दिखा रहा है, बरगला रहा है और बता रहा है कि वो दुनिया का ताकतवर देश है। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी है कि भारत के खिलाफ उसकी सेना फुस हो जाती है। और चीन लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बात के साथ साथ आघात कर रहा है। युद्धाभ्यास का वीडियो जारी करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में है। ड्रैगन का नया प्रोपेगेंडा वीडियो है। इस वीडियो के जरिए एक बार फिर चीन हिंदुस्तान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और एलएसी पर तनाव बढ़ा रहा है। चीन ने हैनान प्रांत में दो ड्रिल किए, एक रेगिस्तान और दूसरा जंगल में। इस वीडियो के जरिए ड्रैगन शायद हिंदुस्तान को यह बताना चाहता है कि हिंद की फौज चीनी सेना के सामने टिक नहीं सकती। भारतीय सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन। भारत पर दबाव बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर से जंग लड़ रहा है चीन। ग्लोबल टाइम्स ने ईस्टर्न थिएटर कमान के हवाले से यह वीडियो जारी किया है, जिसमें चीनी सैनिक कभी जंगलों में तो कभी रेगिस्तान में युद्धाभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। ड्रैगन ने इस वीडियो के जरिए भारत की सेना को धमकाने की कोशिश की है कि अगर जंग हुई तो जवाब ऐसा होगा। लेकिन ड्रैगन को यह भी समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान कभी प्रोपेगेंडा नहीं करता, वो शांति चाहता है। लेकिन अगर कोई उसे छेड़ता है तो सीधे जंग के मैदान में ही निपटता है। उधर ड्रैगन ताइवान के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा है। सोमवार को चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा था कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है। वो लगातार ताइवान पर दबाव बढ़ा रहा है, उसकी सीमा पर भी तनाव खड़ा कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस जाते हैं। सोमवार को चीन के दो टूही विमान ताइवान की सीमा में घुस आए थे, हालांकि फिर ताइवान ने उसे खदेड़ दिया था। वीडियो जारी कर ड्रैगन अपने फर्स्ट पीएलए को मजबूत करने में लगा है। The cat sat on the mat.
और एलएसी पर चीन और भारत के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कोशिशों का अभी तक नतीजा नहीं निकल पाया है। ड्रैगन पीछे हटने को तैयार ही नहीं और हिंदुस्तान अपनी एक इंच भी जमीन छोड़ेगा नहीं। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। मैराथन बैठक के बाद भी ड्रैगन एलएसी से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। अब दूसरे दौर की बात में उसे हद में लाने की कोशिश होगी। अशांति और जंग चाहने वाला ड्रैगन एक बार फिर अपनी जिद पूरी करने में जुटा है। कल 15 घंटे चली बैठक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। चीन की जिद है वो शांति के लिए कोई काम नहीं करेगा। वो किसी भी हाल में पेंगोंग, हॉट स्प्रिंग और डेपसांग से पीछे नहीं हटेगा। लंबे दौर तक चली इस बैठक में ये पहला मौका था जब किसी सैन्य बातचीत में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी हिस्सा लिया। एक इंच जमीन नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान, एलओसी पर टूट जाएगा चीन का गुमान। ड्रैगन की चालबाजी और तनाव बरकरार रखने की रणनीति के आगे भारतीय फौज ने भी कसम खाई है कि वो अपनी एक इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। क्या पूर्वी लद्दाख बनेगा जंग का मैदान? बेनतीजा रही बैठक तो शुरू होगा जंग का काउंटडाउन। मई की शुरुआत में तनाव के बाद से भारतीय और चीनी सैनिक एलएसी के साथ कई पॉइंट्स पर आमने सामने आ चुके हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सैन्य तनाव ज्यादा है, जहां दोनों सेनाओं ने सर्दियों में भी अपनी पोजीशन पर डटे रहने की तैयारी कर ली है। सीमा पर शांति के लिए दोनों देशों के कोर कमांडर की बैठक पर भी आज पूरे दिन नजर होगी। लेकिन चीन जिस तरह से अपनी जिद पर अड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो शांति चाहता है। सीमा पर चीन की जंग तैयारी और युद्धाभ्यास से साफ है कि वो अशांति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो चीन को जवाब देने के लिए तेजस के दो एडवांस वर्जन तैयार कर लिए गए हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ताजा अपडेट आ रही है। तेजस का एडवांस वर्जन SP-22 और SP-23 रेडी है। सितंबर के आखिर तक पूरी होगी उड़ान की टेस्टिंग, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। जल्द सरहद पर उड़ान भरेगा तेजस का बेहद एडवांस वर्जन। HAL ने तेजस के दो नए एडवांस वर्जन बनाए। और आखिर क्या वजह है कि सीमा पर 100 दिन से भी ज्यादा संघर्ष होने के बाद कोई बात बन नहीं रही है? देखिए क्या है संपूर्ण गलवान कांड। सोमवार को भारत और चीन के कोर कमांडर लेवल की बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाया। चीन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। हम आज ड्रैगन की झूठ का एक एक पन्ना खोलेंगे। मई के पहले हफ्ते में चीन ने गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश की थी। तब चीन पेट्रोलिंग पॉइंट के पास बन रहे पुल का काम रोकना चाहता था और चीन की सेना लगातार विवाद खड़ा कर रही थी। भारत इस मसले का हल बातचीत से चाहता है, लेकिन ड्रामेबाज ड्रैगन ऐसा नहीं होने दे रहा। 31 अगस्त को 5 घंटे की बातचीत हुई थी, फिर 1 सितंबर को कमांडर लेवल की बातचीत 8 घंटे तक चली, 2 सितंबर को 7 घंटे, 3 सितंबर को 4 घंटे, 4 सितंबर को 4.5 घंटे, 6 सितंबर को फिर से 4 घंटे, 21 सितंबर को 12 घंटे से ज्यादा कमांडर लेवल की बातचीत चली। कमांडर लेवल की बैठक के अलावा ऐसा मौका भी आया जब 4 सितंबर को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगी ने मुलाकात की। भारत का स्टैंड तब भी क्लियर था, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। फिर 10 सितंबर के दिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से चीन के विदेश मंत्री वांग यी मिले। यहां भी टेबल पर सहमति तो बनी, पर जमीन पर सारी बातें बेनतीजा रही। लगातार बढ़ता सीमा विवाद बहुत सी संभावनाएं जगा रहा है। अब तो ये भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या आगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिलेंगे, तब इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान होगा। ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये बात तो साफ हो रही है कि चीन के मुंह में राम बगल में छुरी है। वो मंत्रियों की बात को भी मान लेता है, सहमत भी हो जाता है, लेकिन बाद में अपनी ही बातों से बदल जाता है, पलट जाता है, मुकर जाता है। और अब आपको दिखाते हैं आम हिंदुस्तानी देशभक्ति के जज्बे के साथ कैसे मैदान में डटा है। एलएसी पर जवानों की मदद के लिए दिखा लोगों का पराक्रम। एलएसी के पास के लोग जवानों की खूब मदद कर रहे हैं। जवानों की मदद के लिए ऊंची चोटी पर चढ़ रहे हैं लोग। चुशूल गांव के लोग जवानों की भरसक मदद कर रहे हैं। जवानों को खाना समेत कई सामान जो आम जरूरत के होते हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। और किस तरह से देखिए कि आम लोगों का साथ सेना के जवानों को हासिल हो रहा है,
चुशूल के गांवों में। और चीन और पाकिस्तान दोनों ही देश खुद को शरीफ साबित करने में लगे। दुनिया के दो अलग अलग मंचों से चीन और पाकिस्तान ने जो राग अलापा वो दोनों देशों की झूठ की पोल खोल रहा है। विस्तारवादी रणनीति और आतंकवाद की जड़ में पानी डालने के लिए कुख्यात चीन और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद के शरीफ होने का प्रपंच रचा। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर यूएनजी में जिनपिंग अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते नजर आए और संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के 45वें सत्र में पाकिस्तान आतंकवाद की दुहाई देता नजर आया। ये दो ऐसे बयान हैं जिस पर पूरी दुनिया को यकीन नहीं है। सबसे पहले देखिए जिनपिंग की कथनी और करनी का फर्क। दूसरे देशों को किसी को भी धमकी देने का अधिकार नहीं है, खासकर तब जबकि वो छोटा हो। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हर देश को पालन करना चाहिए। किसी भी देश को दुनिया पर दादागिरी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दुनिया में जितने भी छोटे बड़े देश हैं, सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ये महाज्ञान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है। चालबाजी के सहारे पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले जिनपिंग को सोचना चाहिए कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। जब जिनपिंग के महाज्ञान के सागर से उनके शब्द फूटे तो दुनिया भी हंस रही होगी। कुछ इसी तरह का राग पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की बैठक में अलापा। इमरान के नुमाइंदे ने आतंकवाद पर रोना रोया तो हिंदुस्तान ने वहां उसकी औकात उसे बताई। UNHRC में घिरा पाकिस्तान, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने लगाई लताड़। पाकिस्तान आतंकियों को देता है शहादत का दर्जा। पाकिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन, राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रहा है पाकिस्तान। दो अलग अलग मंच पर चीन और पाकिस्तान के चेहरों को बेनकाब किया गया। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि दुनिया को दादागिरी न दिखाने की दुहाई देने वाला चीन भारत में घुसपैठ की हिमाकत कर रहा है, ताइवान और तिब्बत में वॉर ड्रिल कर रहा है, भूटान को हुड़की दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन की पीठ पर सवार होकर उसे जंग के लिए उकसा रहा है और हमेशा की तरह घाटी के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, यूएन में साउथ चाइना सी पर चीन को झटका लगा है। यूएन ने समंदर पर चीन का दावा सिरे से खारिज हो गया है। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस ने खारिज किया चीन का दावा। तो अपनी बपौती समझता है साउथ चाइना सी में चीन, लेकिन अब उसके दबदबे को बड़ी चुनौती मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को माने चीन, ये कह दिया है तमाम यूरोपीय देशों ने। यूरोपीय देशों के रुख का अमेरिका ने भी स्वागत कर दिया है। और अहम खबर, राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने अपना धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन अब वो पूरे मॉनसून सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं। किसान बिल पर मचे घमासान के बीच राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया और मानसून सत्र का बहिष्कार करने की तैयारी में जुट गए। पिछले 3 दिनों से चल रहे महासंग्राम को खत्म करने की नीयत से डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश सुबह सुबह धरने पर बैठे सांसदों को चाय पिलाने भी पहुंचे, लेकिन चाय केतली में ही ठंडी हो गई। निलंबित सांसदों की वापसी को लेकर आज का सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विपक्ष ने बिल पर चर्चा के लिए समय मांगा, लेकिन नहीं दिया गया। इसका मतलब है जो कानून पास हुआ है वो पार्लियामेंट्री सहमति से नहीं हुआ है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। संसद के गलियारे से आज एक और खबर आई। सांसदों के व्यवहार से दुखी डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने एक दिन के उपवास का ऐलान कर दिया ताकि माननीय सदस्यों की आत्मशुद्धि हो सके। और कहा है कि हम 24 घंटे के उपवास पर हैं आज। करने दीजिए, अब चेयरमैन साहब भी बैठ जाएं, जो उन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है जिस प्रकार, वो पूरे देश ने देखी। आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद ने कहा कि वो निलंबन से नहीं किसानों की हालत पर चिंतित हैं। गैर संवैधानिक तरीके से जबरन पास कराया गया मुद्दा वो है, मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है, हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए तैयार। विपक्ष बिल में जरूरी बदलाव की मांग कर रहा है ताकि MSP के नीचे किसानों से कोई उपज ना खरीद सके। विपक्ष का कहना है कि चाय और उपवास की सियासत से किसानों का भला नहीं होने वाला है। विपक्ष सांसदों के निलंबन वापसी पर अड़ा है। संसद में मचे बवाल की आंच बंगाल में भी देखी जा रही है। कोलकाता में TMC ने धरना शुरू कर दिया है। तो तमाम विपक्षी दलों ने पूरे मॉनसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस किसान बिल पर हुए बवाल को थमने नहीं दे रही है। विपक्ष अभी भी आर पार के मूड में नजर आ रहा है। संसद से शुरू हुआ मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और ये अब साफ दिखने लगा है। विपक्ष इस मामले पर आर पार करने को तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो निलंबित सांसदों को अंदर बुलाया जाए या निलंबन रद्द किया जाए या फिर पूरा विपक्ष बाहर हो जाएगा।
तो ये बड़ी बुरी बात है। आप लोगों ने बॉयकॉट भी किया था? नहीं, उसी लिए इस प्रोटेस्ट में या तो उनको अंदर लो या नहीं तो हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपनी सुनवाई नहीं होती और हम लोग जो कहना चाहते उसको कहना भी नहीं देते। विपक्ष ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि आखिरकार स्वामीनाथन आयोग के तहत फिक्स MSP का जिक्र क्यों नहीं कर रही सरकार। MSP जो फिक्स करते हैं वो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो फार्मूले के तहत करना, उस बिल पे जो डिवीजन चाहते थे और वोटिंग चाहते थे वो नहीं होने दिए। कांग्रेस शायद किसान बिल के बहाने अब की बार फॉर्म में आने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन तो इतने आग बबूला हो गए थे कि उन्होंने डेप्यूटी चेयरपर्सन के चाय लेकर जाने और उसके तुरंत बाद PM के ट्वीट को एक साथ जोड़कर साजिश और ड्रामा दोनों बता दिया। देखिए, ये सब ड्रामा और ऑप्टिक्स है। इधर वो चाय और नाश्ता लेके आते हैं, उधर प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं कि ये इनका स्टेट्समैन लाइक कैरेक्टर है, बिहेवियर है करके बोल के उनके पक्ष में। उनको बिहार के चुनाव के लिए हरवंश राय जी को लेके अपील करना है उनको। कांग्रेस की संख्या भले ही कम हो, वो भले ही राज्यसभा में गिनती के ही बच गए हों, लेकिन अब की बार लगता है कि वो इस मुद्दे को आसानी से ठंडा नहीं होने देने वाले, ना ही कांग्रेस सरकार को किसान बिल वाले मामले पर आसानी से निकलने देगी। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,